आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से। मुस्लिम भाई, मेरा बस इतना ही कहना है कि तीन चार महीने बस छाती में पत्थर रखकर गुजार लो, उसके बाद ये हुकूमत आएगी। रामवीर सिंह विधोड़ी हुकूमत चलाएगा। नेता राम सिंह विधायक थे, उन्होंने शराब के ठेके खोले। नेता राम सिंह विधायक थे, उन्होंने बिजली के ठेकेदारों को बिजली की सारा उनके हाथ में सारा प्रबंध दे दिया। लोगों को लूटने का सिलसिला जारी हो गया। जो हमको देनी चाहिए थी हमने दी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो सड़कें मैंने बनाई, जो बरातघर मैंने बनाए, जो स्कूल मैंने बनाए, आज इस इलाके के विधायक नरेंद्र शर्मा से उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। आज बेचारे बुजुर्गों को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, आज सरकार की ओर से पेंशन नहीं दी जा रही है। इन्होंने कहा था कि जो गरीब लोग हैं हम उनको 2 रुपए किलो गेहूं के लिए, 3 रुपए किलो चावल के लिए हम राशन कार्ड बनवाकर देंगे। क्या किसी को राशन कार्ड बनवा के दिया 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो का? नहीं। आज लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल के लिए नया कार्ड बनाने की बात छोड़ो। जिनके पास मेरे समय का भी राशन कार्ड है, उनका जो गरीबों के लिए 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल आता है, ये इस इलाके का विधायक अधिकारियों के साथ मिली भगत कर उसको ब्लैक मार्केट में बेचकर ये लोग लाखों रुपया कमाते हैं। आज गरीब आदमी को 2 रुपए किलो गेहूं 3 रुपए किलो चावल मिलेगा नहीं। जो बुजुर्ग है उनको पेंशन नहीं मिलेगी। कोई गरीब आदमी मकान बनाएगा तो शासन प्रशासन के लोग आज मकान बनाने के नाम पर लाखों रुपए की लूट करते हैं। एक मकान बनाने के ऊपर रामवीर सिंह विधोड़ी के टाइम में किसी की हिम्मत थी क्या? किसी की माँ ने दूध पिलाया था क्या? अरे बताओ, बोलो बोलो, हिम्मत थी क्या? अभी बताइए आप मुझे, बताओ आखिर 11 साल में मैंने कौन से ऐसा काम किया जिसको आप ये कहें कि हमारे नुमाइंदे ने कोई हमारे लिए कभी छोड़ दी। आज भी आप संगम बिहार जाओ, तुगलकाबाद विधानसभा में जाओ, ओखला में जाओ, क्या रामवीर आप कभी संगम बिहार में गए हैं? आज भी हमारा क्षेत्र जो सुविधाएं मैंने 2008 में आपको दे दी थी, उन क्षेत्रों को आज भी वो सुविधाएं नहीं मिली है जो मैंने 2008 में जो सुविधाएं आपको दे दी थी। और रामवीर सिंह विधोड़ी एक ही बात कहता था, आज मैं फिर कह रहा हूं, मैं लोगों के बीच में एक ही बात कहता था कि रामवीर सिंह विधोड़ी की पार्टी विकास है, रामवीर सिंह विधोड़ी की का धर्म विकास है, और रामवीर सिंह विधोड़ी की जात विकास है। ये मेरा। मैं एक ही बात कहता था कि गरीब आदमी हमसे एसपी और कलेक्टर की नौकरी नहीं मांगता है, गरीब आदमी हमसे फैक्ट्री का लाइसेंस नहीं मांगता है, गरीब आदमी ये नहीं कहता कि हमारा महल बना के दे दो, लेकिन गरीब आदमी जरूर हमसे कहता है कि जब मैं अपनी निजी जमीन के ऊपर अपने बच्चों के लिए मकान बनाऊं, मैं रोजगार के लिए छोटी सी दुकान बनाऊं, तो शासन प्रशासन के लोग हमारी लुटाई और पिटाई ना करें। और ये व्यवस्था मैंने कराई थी कि लुटाई और पिटाई किसी कीमत पर नहीं होगी। क्या किसी की लुटाई और पिटाई हुई? मुझे जरा बताओ, बताइए, हाथ उठा के बताइए, एक आदमी बताइए रामवीर सिंह विधोड़ी के समय में किसी की लुटाई और पिटाई नहीं हुई। तो मैं आज आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं, रामवीर सिंह विधोड़ी को थोड़ी सी अपनी ताकत दीजिए। और वो ताकत किस लिए मांग रहे हैं कि इलाके में जो लोग मकान बनाए, दुकान बनाए, समरसीवल लगाए, ये हमेशा के लिए इस लूट को हम जमीन में ले जाकर काट दें, इसलिए चाहते हैं। ये है, जिस दिन रामवीर सिंह विधोड़ी का नाम सुनेंगे ना, रामवीर सिंह विधोड़ी आ रहा है, ये शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जुल्म करते हैं, बस ये कहेंगे कि रामवीर सिंह विधोड़ी को हमारी शिकायत मत कर देना। इन्होंने मेट्रो का वायदा किया, मेट्रो रामवीर सिंह विधोड़ी लाएगा, ये कहां से मेट्रो लाएंगे?
रामवीर सिंह भिदूड़ी लाएगा। आपको विश्वास है ना, जो रामवीर सिंह भिदूड़ी कहता है वो करता है, विश्वास है, हाथ उठाइए। रामवीर सिंह भिदूड़ी इस इलाके के लिए मेट्रो भी लाएगा। इन्होंने बंदा चार गुना चौड़ा नहीं किया, रामवीर सिंह भिदूड़ी इस बंदे को चार गुना चौड़ा करेगा और इस बंदे के ऊपर टीटीसी की बसें दौड़ेंगी। ये रामवीर सिंह भिदूड़ी ऐलान करने के लिए आया है। मुस्लिम भाई, मेरा बस इतना ही कहना है कि तीन चार महीने बस छाती में पत्थर रखे गुजार लो, उसके बाद ये हुकूमत आएगी। रामवीर सिंह भिदूड़ी हुकूमत चलाएगा, बस इसका इंतजार करो। जो जो सुविधाएं देने का मैंने ऐलान किया वो भी दूंगा, और जो जुल्म जाति हो रही है उसको भी हमेशा के लिए दफन कर देंगे। ये आज मैं आपको वचन देकर जा रहा हूँ, वायदा करके जा रहा हूँ। चूंकि अगर किसी पर आरोप लगे हैं, इस नकारा विधायक ने किसी पर आरोप लगाया तो किसी को लगाया, मैं पूछना चाहता हूँ आम जनता यहाँ जयपुर पार्टी की बैठी है, क्या किसी गरीब को हमने सताया क्या? किसी रेड़ी वाले को सताया क्या? किसी कसाई खाने को सताया क्या? क्या किसी बराइनी वाले को सताया क्या? ये विधायक ने क्या किया बताओ? अनऑथराइज कॉलोनी पास कराने के लिए कहा था, क्या पास हुआ क्या? गरीब को राशन मिला क्या? दो रुपए तीन रुपए किलो रुपए गरीब को राशन नहीं मिला। डीटीसी की बस मिली क्या? डीटीसी की बस नहीं मिली, गरीब को राशन नहीं मिला, उल्टा बिजली वालों को बैठ बंद करके मारा इस व्यक्ति ने, जल बोर्ड के अधिकारियों को मारा, सबको मारा इस व्यक्ति ने। मैं इस पूछना चाहता हूँ विधायक महोदय, आप बीड़ी का काम करते थे और बीड़ी बेचते हुए नकली बीड़ी आप बेचने लग गए, तो 420 इसमें आप पे लगी, क्या ये जनता के साथ भी 420 करना चाहते हो क्या? ये विधायक नकारा है, ये दोगला है, या नकारा है व्यक्ति आम इंसान को लूटने का हर तरकीब निकालता है। के शुक्ला, इस इलाके से हजारों तक कूड़ा निकाला, गंदगी मुक्त किया, स्ट्रीट लाइट दिया, मलेरिया मुक्त किया, इस निगम पार्षद पास जो भी काम किया। नरेंद्र शर्मा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जल बोर्ड का पानी भी हम वहां सब नहीं कर पाया, कि आज अपना घर होते हुए ही लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में किराए पे रहना पड़ रहा है, उसकी वजह पानी नहीं है उसके पास। ये करबला का महीना है, मुहर्रम का, करबला बना था इराक में, आज के इस मौजूदा विधायक ने जयपुर पाटू को करबला बना दिया है। बच्चों को पानी पिलाने के लिए 1,00,000 खर्च करेगा। अफसोस हो रहा है, कभी ऐसा हुआ था? इस मजलूमियत के सागर में डूबने वाले भाइयों, मैं तुम्हें कहना चाहूंगा, हमारे बिरादराने वतन पार्टी की बुनियाद पर रामवीर भिदूड़ी को लायक करें। और मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, अगर आपके दिल में कुछ बुक्सों कीना है तो मैं कहना चाहूंगा किसी पार्टी की बुनियाद पर नहीं, रामवीर भिदूड़ी की शख्सियत की बुनियाद पर। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।